गाइस आज घर की हालत ऐसी है, पेंट हो रहा है एक तरफ, सारी हालत ऐसी कि मैंने आपको बताया था जैसे कि रिनोवेट होगा, सारा ढक ढक रखा हुआ है सब कुछ। और यहाँ पे टीवी पैनल का काम चल रहा है, अभी आधे पैनल और आए हैं, वो अभी इधर साइड स्टिक होंगे। और ये ऐसा हुआ है अभी तक, अभी इसमें थोड़ा सा और कस्टमाइजेशन होगा। तो आज हमारे घर की हालत ऐसी लगी हुई है, जो यहाँ के कारपेंटर लोग थे ना, उन लोगों ने हमको बहुत परेशान किया, पर जो हमारे इलेक्ट्रिशियन और हमारे पेंटर थे, उन लोगों ने बोला कारपेंटर को जाने दो, हम खुद आपको सब कुछ करके देंगे। तो अभी वो लोग तो चले गए कारपेंटर लोग, अब उनका पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हम लोगों को क्या था, हमारा डिज़ाइन ये था प्रॉपर ये, और यहाँ पे एक शेल्फ आने वाला था मैंने, जैसे कि आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, बट वो शेल्फ का जो कलर था ना, वो बिल्कुल ब्लैक आ रहा है। तो ब्लैक, सो गाइस मैं ये डिज़ाइन अटैच कर रही हूँ जो कि हमने चूज़ की थी, इसमें साइड में पूरा शेल्फ बना हुआ है, तो वो कारपेंटर लोग इसको पूरा ब्लैक बना के आ गए थे, जो कि ब्लैक मेरे किसी भी फर्नीचर के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहे थे, क्योंकि हमारा सोफ़ा भी है वो थोड़ा ग्रे शेड में है, ना कि ब्लैक में, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और सेकंड मिस्टेक इन्होंने ये की कि जो पैनल है उसके पीछे जो LED लगनी थी, वो होम वाइट, वो ब्लू कलर की लगा के आ गए, तो मैंने वो भी हटवाया पूरा कलर। मुझे मेरे घर में बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि अंधेरा सा लगता है ब्लैक कलर से, थोड़ा सा वाइट सा, ब्राइट सा, ऐसे कलर्स होते हैं ना, तो थोड़ी सी घर में वाइट्स अच्छी आती है, मतलब लाइट भी चलता है, पर प्योर ब्लैक तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ब्लैक कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं, ना शेल्फ में, ना शीट में, ना पैनल में। तो फिर मैंने सोचा कि अभी जो ये हो गया है, इधर पैनल जो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, उतने ही एक्स्ट्रा इधर भी लगा के इसको पूरा ये मिडिल में शेप हो जाएगा, और इसको ऐसा ही शेप कर देते हैं। मैंने बोला कि ज़्यादा अब जुगाड़ तो कुछ करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम शेल्फ नहीं बना सकते, हम कारपेंटर नहीं है ना, सॉरी, तो हम पैनल तो लगा सकते हैं, इसमें सिर्फ ग्लू लगाना है और इसे स्टिक करना है, तो वो हम खुद करेंगे, उसके बाद बताऊंगी मैं। और अंदर रूम्स की भी हालत यही है, इधर पेंट हो रहा है पूरा, बच्चों का रूम हो चुका है पूरा क्लीन, पूरा पेंट, सूखेगा तो ज़्यादा रुकाएगा। हमारा रूम भी हो चुका है, देखिए दरवाजे कितने शाइन कर रहे हैं मस्त, हमने इस पर भी पॉलिश करवाया है, इधर भी पेंट हो गया, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पेंट की, मुझे तो बहुत पसंद है। अब बहुत लोगों को पेंट की खुशबू से, मतलब पेंट की फ्रेग्रेंस से बहुत एलर्जी होती है, पर मुझे तो पर्सनली ये बहुत अच्छी लगती है, सौंधी सौंधी सी, और इंडिया वाला फील आता है, ऐसा लगता है कि मैं तो इंडिया में ही बैठी हूँ। तो यहाँ पर हमने सेम कलर कराया, बाकी हॉल में तो बहुत सारा कस्टमाइजेशन बाकी है, जैसे जैसे होता जाएगा मैं बताती जाऊंगी। ये सील लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है, कभी भूले से बेटी घर में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। वाह वाह क्या बात है, गलत किया, सही, बहुत बहुत एकदम बढ़िया, दिल को छू गई। तो पहले मैं बता देती हूँ क्या क्या बाकी है हॉल में। अभी इसके पीछे एक LED लाइट लगेगी यहाँ पे पूरा स्क्वायर में, हॉरिजॉन्टल इट्स मेन, और जो ऊपर ये जो लग रहे हैं ना वाइट वाइट जो हमने खुद लगवाए हैं, इसमें भी पूरा चारों तरफ LED लाइट आएगी। पता नहीं मुझे लाइट से इतना प्यार है, मुझे ऐसा लगता है न्यू लाइट्स होनी चाहिए, न्यू सब कुछ होना चाहिए, लाइट्स सब जगह हो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि होनी चाहिए लाइट्स, ब्राइटनेस बहुत पसंद। देखो मैंने बालकनी में भी बहुत अच्छी लाइट्स लगवाई है, जो कि शाम को बहुत अच्छे से दिखेगी, अभी तो नहीं दिख पाएगी, शाम को मैं ये भी सीन दिखाऊंगी, बहुत अच्छी लग रही है। देखिए हमने ऊपर ये लगाया है, प्लांट्स है, आपने बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे, पता नहीं क्यों मुझे प्लांट्स और बर्ड्स और सब कुछ, वो मैंने धो के रखा है, नहीं सुखाया अभी, भी गीला है, इसको तो 2 दिन लगेंगे, ना मोटू सा आएगा। सी यहाँ की लाइट्स पे मैं आपको है ना एक क्लिप नीचे से बना के डाल दूंगी, ताकि आप देख के बताइएगा कि हमने लाइट्स अच्छी लगाई या नहीं। आ गई हमारी बिल्डिंग, ये मेरी लाइट सबसे ऊपर वाली, ये मेरी।
तो गाइस बताइएगा कैसा लगा आपको। अभी तो नेक्स्ट व्लॉग आएगा जिसमें हम लोगों ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, वो ज़रूर देखिएगा और अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि सब कुछ सही लग रहा है या नहीं। अगर कोई राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा।